और परिस्थितियों के समय निश्चय याद करने वाला, कभी सफल भी हो सकता है, कभी असफल भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। मीरा के पास जब नहीं है जहर, नहीं है सर्प, तो भी तो निश्चय तो है, निश्चय थोड़ी गुम हो गया, निश्चय तो है ही ना। ऐसी कोई कसौटी नहीं होती है कि हम किसी कसौटी पे कहें निश्चय है या नहीं है, वो आपका अंदर वाला जानता है। जो निश्चय आत्मक बुद्धि है वो निश्चय को भी जानती है, संशय को भी जानती है। सात्विकी बुद्धि उसी को कहते हैं जो निश्चय और संशय दोनों को जानती है। अब कई लोग निश्चय को जानते हैं, संशय को नहीं जानते हैं, कई संशय को जानते हैं, निश्चय को नहीं जानते हैं। लेकिन सती जो है बुद्धि, राइट बुद्धि, वो दोनों को ही जानती है, दोनों को ही समझती है। निश्चय है तो ऐसा नहीं निश्चय का मतलब अहंकार हो कि आई एम राइट। कई लोग निश्चय की इस दिशा को पकड़ लेते हैं, मैं तो अपने निश्चय में हूँ, कोई भूल बता रहा है नहीं सुनेंगे, गुरु कुछ कह रहा है नहीं मानेंगे, मेरे को तो अपना निश्चय है। इसको भी निश्चय आत्मक बुद्धि होना नहीं कहते हैं। निश्चय अपनी जगह है लेकिन अहंकार नहीं है। अहंकार आ जाएगा बीच में तो फिर निश्चय कहाँ रह गया। ज्ञानी को निश्चय है पर अभी आप आके उसको कुछ बताओगे तो वो सुन सकता है, समझ सकता है, अपने को चेंज भी कर सकता है, मोड़ भी सकता है, उसके पास सारी बातें हैं। लेकिन अभी आप एक संशय बुद्धि वाले के पास चले जाओ, वो गलत होते हुए भी नहीं मानेगा मैं गलत हूँ, वो कहेगा नहीं आई एम राइट, मैं जो सोचता हूँ ठीक है, मैं जो करता हूँ ठीक है, मेरी जो समझ है वो ठीक है। तो निश्चय को अभी नहीं जाना उसने। अब निश्चय की बात तो रावण भी कर रहा है, हम ब्रह्मस्मय ही कहता है। निश्चय की बात तो आसुरी संपदा को लोग, कई लोग जो प्राप्त है वो लोग भी कहते हैं, हिरण्यकश्यप भी कहता है मैं हरि से भी बड़ा हूँ, लेकिन वो अहंकार रूप है। हम नहीं कह सकते वो निश्चय को जानते हैं, वो निश्चय को नहीं जानते। जब तक देह अभिमान है निश्चय को नहीं जाना गया, देह अभिमानी निश्चय को नहीं जानता है, वो सिर्फ प्रिटेंड करता है, शो ऑफ करता है कि मेरे को भी निश्चय है, मैं भी निश्चय में हूँ, मैं भी निश्चय को जानता हूँ, प्रिटेंडर है वो, निश्चय नहीं है उसके पास। और जो संशय में पड़ा है वो फिर निश्चय की बात कैच नहीं करता है, वो कहेगा नहीं ये शरीर तो करता दिख रहा है, भोगता दिख रहा है, किसने देखा भगवान, ऐसे कहने की बातें हैं, वो फिर उस दिशा में निकल जाता है। लेकिन निश्चय माना मैं नहीं हूँ, भगवान तू ही तो है, और परिस्थिति हो या ना हो, ज्ञानी का भक्त का ये निश्चय कायम दायम रहता है। वो हर वक्त अपने को भी नथिंग करके और परमात्मा को आगे रखता है, इंतज़ार नहीं करता हालत आएगी, मैंने राइट डिसीजन लिया तो मैं निश्चय में हूँ, ये हो सकता है विवरिंग माइंड नहीं होगा, ये हो सकता है अंदर इम्बैलेंसिंग नहीं होगी। होता है ना एक अज्ञान में स्थिति है जहाँ इंसान का विवरिंग माइंड बहुत होता है, ये ठीक है ये ठीक है, ये करूँ ये करूँ, अपने ही अंदर उलझता रहता है। लेकिन अभी निश्चय हुआ अंदर, आपने समझा शरीर मिथ्या है, परमात्मा ही सत्य है,
ये निश्चय जागने से आपके अंदर की वो हलचल खत्म हो जाती है, जो आपका दिमाग ऐसे उलझ रहा होता है, आपका वो दिमाग उलझना बंद कर देता है। अब आपका वेवरिंग माइंड नहीं रहता, आप रिलैक्स हो जाते हो, आप स्ट्रांग हो जाते हो, आप परमात्मा को समर्पित होके चलते हो। मतलब एक निश्चय है तो फिर वो हर गतिविधि में ही है, वो तो एक श्वास में भी है। फिर जैसे अभी भगवान बोल रहे थे कि अगर हाथों से किसी को कुछ दिया भी तो ऐसा ही लगता है भगवान हाथ भी तुम्हारे, तुम्ही ने दिलवाया, तुम्ही ने कराया, है ना। तो ये फीलिंग हो जाती है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर परिस्थिति की बात ही नहीं रहती है। फिर जो आपका निश्चय है वो आपके रूटीन वर्क से भी छलकेगा, छोटे से छोटे काम से भी, छोटी से छोटी बात से भी वो निश्चय प्रकट होगा, समझ आएगा और किसी को सुख देगा, किसी की प्रेरणा बनेगा। ऐसा फिर उस निश्चय की बड़ाई हो जाती है। अभी अज्ञान में इंसान स्वार्थी है, जब देह का निश्चय है स्वार्थी है, मेरे को ही सुख मिले, मेरा ही बेनिफिट हो, मैं ही अपने लिए सोचूं, ऐसी फीलिंग्स होती हैं। आप निश्चय बुद्धि वाले को देखना, वो परोपकार की भावना भी नहीं रखता लेकिन पूरा समय परोपकार होता भी रहता है, अपने सुख से पहले किसी के सुख का विचार करेगा। मेरे को सुख मिले या मिलता है या समझो सुविधा होती है तो मेरे को सुख मिले, इससे पहले वो किसी को सुख देने की सोचेगा। मैं खाऊं इससे पहले खिलाने की सोचेगा, मैं आराम करूं इससे पहले चार लोगों को देखेगा क्या इन्होंने आराम किया, क्या इन लोगों को भी रिलैक्स हुआ। ये कुदरती आपके भाव बदलते जाते अंदर से, आपको देने में सुख आने लगता है, लेने में सुख नहीं आएगा। दे बुद्धि है, लेने में सुख आता है, निश्चय है, देने में सुख आता है, क्योंकि सब मेरा अपना आप ही तो है, सब में मैं ही तो हूँ। तो आपके आचरण से भी आपका निश्चय छलकने लगता है। विज्ञानी को निश्चय है तो उसके हर कार्य से समझ में आता है, निष्कामता समझ में आती है, या दादा ने नहीं उपयोग किया परोपकार वर्ड, बेअंपरी नहीं देखते हैं, पर एक देखने में आएगा तो सही, उसकी करुणा, उसका प्यार, उसका भाव, वो सब समझ में आएगा क्योंकि उसके अंदर है। जिसके अंदर जो भावना होगी वो भावना छलकेगी, प्यार होगा प्यार छलकेगा, द्वेष होगा द्वेष छलकेगा, नम्रता होगी नम्रता छलकेगी। अभी आपके अंदर नम्रता है तो कोई आपसे बात भी करेगा वो फील कर जाएगा, भाई बहुत नम्र हैं, बहुत इनका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, बहुत रिसीविंग माइंड रखते हैं, बात को समझते हैं, अंदर से निमाने हैं, समझ आएगा। और अच्छा आप खड़े हो जाओ एक अहंकारी आदमी के पास तो आपको फील हो जाता है, कई बार किसी से बात करते हो ना फील हो जाता है कि ये व्यक्ति कितना अपनी ईगो में रहता है, कैसी इसकी सोच है, कैसे इसके विचार हैं, कैसी इसकी फीलिंग है, आपको वो कैच हो जाता है। क्योंकि जो भीतर पड़ा रहता है वो कर्म से वाणी से हमेशा ही प्रकट होगा, ज़रूर प्रकट होके रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो, रहता है अंदर तो बाहर आता ही है। हर एक के साथ है ये बात, जिसके अंदर प्रेम है प्रेम प्रकट होगा, किसी के अंदर नम्रता है नम्रता प्रकट होगी। अब मीरा के साथ इतना बुरा बुरा किया गया पर मीरा के अंदर
कोई भावना ही नहीं है। फिर राणा को कह रही है, मैं तो सबका उद्धार करना चाहती थी, मेरी नेक ना मानी बात, अरे मेरी बात ही नहीं सुनी किसी ने, मेरा तो मन था सबका कल्याण हो जाए, मेरा तो मन था सबका उद्धार कर दूं, लेकिन सुनी नहीं किसी ने। अब उसके अंदर पड़ा हुआ था, और राणा के अंदर क्या पड़ा था कि मीरा बेचारी बार बार अच्छी राह दिखा रही है, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। अब दोनों में फ़र्क देख लो, एक जगह बहुत शुद्ध भाव हैं, वही छलक रहे हैं, एक जगह अहंकार है, वही छलक रहा है। अभी मीरा जैसी से कोई बात करे अमृत का सागर, और राणा जैसे से कोई बात करे खुद ही पछताए। अभी समझाने चल दो आप रावण को, कंस को, हिरण्यकश्यप को, तो जो जो इनको समझाने गए वही पछताए कि फ़ायदा ही नहीं था कोई बात करने का। कई बार आपको भी डेली लाइफ में ऐसा मिलेंगे लोग जिनसे बात करने के बाद लगता है बात क्यों की, बात करने के बाद आपको शर्मिंदगी होती है अपने ऊपर, बात करने के बाद आपको अपने लिए गलत फीलिंग आती है कि मुझे बात करनी ही नहीं चाहिए थी, समझो हमने कोई बात की, सामने वाला अभद्र व्यवहार करता है, गाली गलौज कर देता है, बस में ही चढ़ते हो आप, किसी से सीट के लिए ही कह देते हो भैया लेडीज सीट है, कई जेंट्स की आदत होती है ना गलत बोल पड़ते हैं, फिर आप खुद ही उरे परे हो जाते हो कि हमको बोलना ही नहीं चाहिए था। ऐसा कई बार होता है कि जिसके भीतर जो पड़ा रहता है उससे आपका सामना होता है, तो अब आपके भीतर जो रहेगा व्यवहार में तो आपके वो उतरेगा ना, आप व्यवहार में निश्चय नहीं तौल सकते, निश्चय से आपका व्यवहार अपने आप बोलेगा। दादाजी बोलते थे, अमूल माणिक हुजे पेट में तबखे मुँह माँ, अगर किसी के पेट में अमूल माणिक पड़ा है तो उसके चेहरे की रौनक बता देगी कि इसके अंदर अमूल माणिक पड़ा हुआ है, उसके चेहरे की रौनक ही बता देगी क्योंकि उसके पेट में लाल है। तो ऐसे किसी के अंदर अगर नम्रता है, प्रेम है, निश्चय है, ईश्वर का भाव है, तो उसका भी जीवन बोलेगा, उसके जीवन से भी ज़रूर प्रकट होगा, और होना ही चाहिए। आप कहीं भी देखना, लेक्चर करना ज्ञान नहीं है, गुरु भी कभी नहीं इस बात को लेके चलता, भगवान हमेशा बोलते थे कितनी तारीफ हो जाए, कितना बड़ा किसी का सत्संग बन जाए, हमारे पास जब कोई आके रहता है बैठता है, हमसे कोई कैसे वर्तता है, हम बस उसको वहाँ से जानते, हम नहीं सोचते इसको 100 लोग मान रहे हैं, 200 लोग मान रहे हैं। लेक्चर पावर तो किसी के पास भी हो सकता है, बात लेक्चर की नहीं है, बात है अगले व्यक्ति के अंदर ज्ञान की समझ कितनी है, उसका अपना जीवन ज्ञान के अकॉर्डिंग क्या है, उसकी अपनी रहनी क्या है, उसके अपने एथिक्स क्या हैं, उसकी नम्रता क्या है, उसका सेवा भाव क्या है, उसका झुकना क्या है, उसकी निराभिमानिता क्या है। बोलते थे हम इन चीज़ों से जज करते हैं अगले व्यक्ति को, बाकी तो ज्ञान से हम किसी को जज नहीं करते, क्योंकि लेक्चर तो कोई भी कराएगा, हमारे यहाँ तो ज्ञान वैसे इतना आसान है, 8 दिन सुन ले कोई बढ़िया लेक्चर कर सकता है जाके, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत इजी है सत्संग हम लोगों के यहाँ, लेकिन उससे बात नहीं बनती है। बात बनेगी जब कोई आचरण से सदा हुआ होगा। अब गुरु की मर्यादा नहीं आती, ज्ञान बहुत सारा आता है, यूजलेस है, सेवा भाव नहीं है जीवन में, 4 लोगों के साथ
प्रेम से रहना नहीं आता, अपने गुरु भाइयों के बीच प्रेम से रहना नहीं आता, मन में शिकवा शिकायत तेरी मेरी ये सब लगा पड़ा है, तो बोलने वाला ज्ञान तो सारा व्यर्थ ही है ना, तो सिर्फ एक टाइम पास चल रहा है, क्योंकि लाइफ में तो कुछ है नहीं, जीवन में तो कोई बात ही नहीं है, मन में मैल भी है, शिकवा शिकायतें भी हैं, दूसरों के कर्म स्वभाव भी याद है, वो फिर ज्ञान नहीं है। निश्चय है वो आपके जीवन से अपने आप ही छलकता चलेगा, निश्चय है कर्म कभी दिखावा नहीं होगा कि मुझे दिखावे के लिए कर्म करना है और अदरवाइज कन्नी काट लूँ मैं, ऐसा भी नहीं हो पाएगा। सारा का सारा आप देखोगे निश्चय से आपकी अपनी लाइफ सिस्टमेटिक हो जाती है। आज मीरा के जीवन में चूक क्यों नहीं है, निश्चय है मैं था तब हरी नाही, अब हरी है मैं नाही, निश्चय है हरी है मैं नाही, खुद निकल गई बीच में से, हट गई बीच में से, हरी है और मैं नाही, हरी तुम ही हो, मैं कहीं पर हुई नहीं बीच में। अब जो खुद हट गया उसके घट से फिर करण करावन आपे आप, उसके घट से कार्य करने वाला परमात्मा स्वयं है, परमात्मा उसके घट में बैठा है, परमात्मा उसके घट में बैठ के कार्य कर रहा है, परमात्मा उसी के द्वारा सब कार्य संचालित कर रहा है। वो खुद तो किनारे ही हो गया ना, है ही नहीं। निश्चय फिर ये हुआ जहाँ मेरी मैं ना बचे, परिस्थिति हो या ना हो, मेरे अंदर एकांत में भी ये भावना रहे भगवान तुम ही हो। मीरा एकांत में भी सिर्फ इतना जानती है भगवान ही है, मैं नहीं हूँ, इसीलिए गुम रहती है। जब आपको मैं का होश आएगा संसार का होश भी आएगा, पर जब ही आपको मैं का होश गुम होगा तो केवल परमात्मा ही परमात्मा होश में रहेगा, वही ध्यान में रहेगा। दस्तूर है प्रेम गली अति सांकड़ी, जा मैं दो ना समाए, दो तो रह नहीं सकते हैं, या परमात्मा रहे या तुम रहो, ये फर्क है। अभी बात चली थी पीछे कि ये संभव फिर भी हो सकता है कि एक मयान में दो तलवारें रह जाएं, लेकिन ये बिल्कुल असंभव है कि भक्त और भगवान दोनों रह जाएं। भक्त मिटेगा, भगवान ही प्रकट होगा, परमात्मा ही रहेगा, ये तो फैक्ट है एक। जब जब अंदर ध्यान आता है, जा तू परसी पाणखे ताता नाय नमाज, जब तुम जानते हो मैं हूँ तो नमाज नहीं पढ़ सकते, वो नमाज तुमने अदा की पर कबूल कभी नहीं होगी क्योंकि अहंकार आ गया बीच में। पर जब मैं नहीं हूँ तो नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भाव मैं ना का ये अपने आप में ही नमाज अदा करने जैसा है। जब किसके अंदर अहंकार का भाव नहीं है ये जैसे नमाज ही अदा कर रहा है। अब मीरा को बोलो तुम चलो नमाज अदा करने, कौन सा समय है मीरा नमाज अदा नहीं कर रही है। मीरा को कहा जाए चलो मंदिर मत्था टेकने, चलो सुमरन करने, कौन सा वक्त है जब मीरा का मन सुमरन से खाली है, कौन सा वक्त है जब मीरा के हृदय में हरि का सुमरन नहीं भी है। हर पल है, हर वक्त है, और जहाँ मीरा ने अपनी हस्ती मिटाई वहीं सजदा हो गया। सजदा होने में कमी कहाँ तक है भाई, जब हम सजदा करने जाते हैं तो हम अपने को झुकाते हैं, तो जिसने हमेशा के लिए झुका दिया अपने अहंकार को उसने सच्चा सजदा कर लिया,
अब बार बार सजदा ना करे फर्क नहीं पड़ता। भगवान चले, इधर आए थे दिल्ली, बंगला साहब गुरुद्वारे चले, बाय चांस दिन आ गया गुरु नानक बर्थडे का, तो सबका मन हुआ कि भगवान हमको दिखा के लाओ, हम लोगों ने देखा ही नहीं था। भगवान ने ही पूछा, बोला कैसे करना है, कुछ मन है कहीं चलने का, आज गुरु नानक बर्थडे है। बता रहे थे हम लोग तो गुरुद्वारे ही जाते थे, लंगर प्रसाद खा के आते थे, तो हम सब ने भी काम को लेके चलिए, लेके चले। जब लाइन में अंदर जा रहे थे तो वहाँ वो खड़े रहते हैं ना उनके सेवादार, बैणा सिर ढक्को, बैणा सिर ढक्को, गुरुजी का भी नंबर आया, बैणा सिर ढक्को। भगवान उसको बोलते हैं, बैणा को सिर होए तो ढकें, कहते हुए निकल गए आगे। अब उस बेचारे को तो समझ नहीं आई, पर हम सबको बात समझ में आ गई कि महापुरुषों को या ऐसे पुरुषों को किसी भी मर्यादा के विपरीत जाने में भी दोष क्यों नहीं आता है, इनके मन में वहम क्यों नहीं पैदा होता, या इनको कोई दोष क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि ये अंदर से ही अपनी मैं मिटा के बैठे हैं। हर कोई नहीं बोल सकेगा, चाहे ज्ञान सुने हुए लोग भी हैं, अब इशारे कईयों ने किए उसको, गुरु जी हैं इनको मत बोलो ऐसे वैसे, लेकिन इतनी निश्चय की बात तो सिर्फ उन्हीं के मुंह से निकली कि बहनों को सिर होगा तो ढकेंगी, सिर ही नहीं है, गुरु ने ले लिया सिर पहले ही दिन। यानी अपने अंदर जो स्थिति है निराभिमानिता की, मेन बात है हम अंदर से क्या जानते हैं, आपस कौन जो आँखें नीचा, सोई गणिए सबते ऊंचा, मतलब क्या है, आपस को मना अपने आप को जो आँखें नीचा, आँखें तो वैसे होता है कहना या कहने की बात नहीं, जो अपने को निमाना फील करे, सोई गणिए सबते ऊंचा, आपस को कर कछ ना जनावे, सो पंडित फिर जूड़ ना पावे, और आपस को जो भला का आवे तिसे भलाई निकट ना आवे। बात है हम अपने को क्या करके जानते हैं, क्या हम हर समय इस नम्रता में हैं कि मैं तो हूं ही नहीं, जो सोचने वाली बात है, हर वक्त अंदर वाला कुछ ना कुछ बना बैठा है, तो अब सजदे चाहे बाहर से 100 कराओ, 1000 कराओ, बार बार चले जाओ सजदा करने, कोई लाभ नहीं निकलेगा। सजदा उसका कबूल होगा जो अंदर से मिट गया, जो अंदर से नहीं मिटा उसका सजदा ईश्वर को कभी कबूल होता ही नहीं। बात तो मिटने की है, और एक बार निश्चय हो गया हो कछ नहीं, बात खत्म हो गई सारी की सारी, फिर बार बार मिटाना नहीं पड़ता अपने को। देखो फोर्थ फिफ्थ क्लास तक होते हैं, थर्ड तक शायद, पेंसिल से लिखने को देते हैं, और पेंसिल रखो तो शार्पनर भी रखना पड़ता है और रबड़ भी रखना पड़ता है। पेंसिल के ये दो साथी स्कूल भी साथ चलते हैं, क्योंकि लेड टूटने का भी डर, गलत लिखने का भी डर, मिटा लेना भाई। फिफ्थ ऑनवर्ड्स या फोर्थ ऑनवर्ड्स कई स्कूलों में पेन से लिखने देते हैं, एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब आपसे भूल नहीं होगी, रबड़ नहीं चाहिए अब आपको, अब आपसे भूल ना होगी, और ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो लिखोगे अब उसको मिटा नहीं पाओगे। पक्की बात तो ये है, निश्चय बुद्धि वाला जानता है सावधानी से ही कर्म करना है, सावधानी से ही वर्तना है, अब ना मिटाया जाएगा। ये समझ के चलो कि जो पढ़िया होवे गुनहगार हो मैं साधना मारिया,
एक तरफ से अपने को हम ज्ञानी कहें, फिर भूलें करें, फिर माफियां लें, तो या तो कबूल करो अभी पेंसिल रबड़ वाले ही हो, ज्ञानी मत कहो, फिर अपने अज्ञान को कबूल करो और सबकी चरण धूल लो के नम्र हो के जीना सीखो। और अगर आप कहो नहीं मैं बड़ा हो गया, अब तुम्हारा एक भी कर्म किसी को भूलेगा नहीं, कोई भूलता नहीं है फिर, क्योंकि अब वो कर्म मिटाए नहीं जा सकते, अब वो याद रहेंगे कि तुम कैसे बोलते हो, कैसे चलते हो, कैसे जीते हो, कैसे कार्य करते हो। भगवान ने एक बार किसी को कुछ कहा तो लड़की बोलती है, गुरुजी क्या आपको मेरा पिछला भूलता नहीं है? बोला आज ठीक हो तो शायद मैं भूल जाऊं, इसीलिए याद दिलाना पड़ता है पिछला, क्योंकि आज ही ठीक नहीं है हिसाब किताब, आज ही तेरे जीवन में वो नम्रता नज़र नहीं आती, गुरु से कैसे व्यवहार किया जाता है समझ नहीं आता, तेरे अंदर प्रेम नहीं दिखता, भक्ति नहीं दिखती, अहंकार ही अहंकार दिखता है, तो हमको बार बार फिर जतलाना पड़ता है। तो पिछले कर्म भी किसके ख़त्म होते हैं? जो आज इतना अपने को साध लेता है, संवार लेता है, जागृत हो जाता है, तो निश्चय में तो ये भी बात आ गई कि आज हम ऐसी स्थिति पे खड़े हो जाएं जहाँ पास्ट इज लास्ट, और ये नहीं कि मैंने लूज़ किया उस पास्ट को, संसार भूल जाए उस पास्ट को। मीरा को कृष्ण के साथ जाना जाता है, राधा को जाना जाता है, लेकिन उनके पास्ट में तो कोई भी नहीं जाता है, याद ही नहीं किया जाता। उन्होंने अगर उस अतीत से पीछा छुड़ाया, संसार ने भी पीछा छुड़ा दिया। अभी आज हम ढूंढना चाहें लिटरेचर ही नहीं मिलता, मीरा का कुछ मिलता ही नहीं, राबिया का मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इन्होंने अपने साथ रखा ही नहीं उन चीज़ों को, खुद बताते, कोई अपनी बायोग्राफी बोलते तो आज दर्ज हो जाता किताबों में। बहुत सी बातें अनुमान रूप हैं, बहुत सी बातें एक ने कुछ कहा है, एक ने कुछ कहा, एक ने कुछ कहा है, नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि उस टॉपिक पे इन लोगों ने बात करने की ज़रूरत ही नहीं समझी, इतना सारा गुम कर दिया। अच्छा, कईयों का जीवन पिछला, अब जैसे इसकी बात आती है गणिका वैश्या जैसी, जिनका पास तो बहुत बुरा था, लेकिन जब हरि लगन लग गई तो अब वो संतों में गिने गए। मतलब गणिका के साथ आप कभी देखो सत्संग में ही सुनते हो गणिका वैश्या, तो वो वैश्या वर्ड ना वो लगता ही नहीं है, जैसे सरनेम लगता है किसी का। मतलब गणिका का ध्यान करो, कभी वो गंदी वाली छवि नहीं आती कि ऐसे कुकर्म करने वाली स्त्री थी। भगवान के साथ जो जुड़ गई, पास्ट खत्म हो गया। हम लोग भी बोलते हैं, 10 बार यूज़ कर जाते हैं गणिका वैश्या, बोलते हैं वैश्या थी, कभी माइंड में पिक्चर नहीं उठती कि वो वैसी थी। पिक्चर उसकी वही जो संत वाले चोले में देखी है, पिक्चर उसकी वही है दिमाग में। तो इसका मतलब कर्म इम्पैक्ट नहीं डालते पास्ट के, पास्ट की लाइफ इम्पैक्ट नहीं डालती, अगर आप अपने प्रेजेंट को इतना डिवाइन कर पाते हो तो। आज का निश्चय गणिका का, गोपियां तक चली गईं, तो किए राम रिझाया री गणिका, तो किए राम रिझाया, गोपियों ने जाके पूछा है तूने राम को कैसे रिझा लिया, राम तेरे कैसे बन गए, परमात्मा तेरे अपने कैसे हो गए, वो पहुंच गईं। फिर इसको कहते हैं ना निश्चय। और या हम देखते हैं इंसान का निश्चय थोड़ी थोड़ी देर में हलचल, अभी घर के लोग ही डराएंगे, हिश बिल्ली करेंगे तो निश्चय धरा रह गया, फिर डर जाएंगे, मेरे को ये कह रहा है, मेरे को वो कह रहा है, रोना शुरू कर देंगे, घबरा जाएंगे, अरे भाई कहाँ गया तेरा निश्चय? गुरु ने कहा यू आर दैट, यू आर सन ऑफ गॉड, भूल गए, बात से बात हो रही है, कोई बात कर रहा है, बात से बात करो।
सच्चे हो, आँख में आँख डाल के बात करो, घबरा जाएंगे, रोने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे, मेरे को कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा, इतना सारा करने की आवश्यकता ही नहीं। बात से बात करो, स्ट्रांग होके बात करो, बोल्ड होके बात करो, तेजी लाओ आवाज़ में, सामने वाले को पता चले तुम अपनी बात कह सकते हो, कर सकते हो। कांग्या निश्चय, अभी यहीं देख लो किसी को, कोई चार अच्छी बात करेगा, अनुभव सुनाएगा, हाँ ये तो आगे निकल गया, मैं तो पीछे रह गया, फिर मीरा तो ऐसी थी ना, हमारे अंदर तो है ही नहीं, फिर जो सुनोगे उसका तत्व तो छूट जाएगा, उसका ड्रामा शुरू हो जाएगा। अब मैं मीरा की तरह तड़प के दिखाऊं तो गुरु को लगेगा हाँ हाँ इसको मीरा समझ आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जब भक्ति का तत्व समझ लिया तुमने, बाहर से प्रकृति अपनी अपनी सबकी, कोई बाजू वाले को देखेगा, कोई किसी को देखे, ये सब निश्चय नहीं होता। जिनके अंदर निश्चय का अभाव है वह थोड़ी देर में कमज़ोर पड़ेंगे, वह थोड़ी देर में दूसरों से कंपैरिजन करेंगे, हर थोड़ी देर में दूसरों को देख के सोचेंगे मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो वैसा नहीं हूँ। निश्चय वाला तो निश्चय में है अपने, इसमें कौन बड़ी बात है। अब हम लोगों के सामने तो जहर प्याले नहीं आए तो हम क्या बोलें, हम मीरा जैसे तो भक्ति है ही नहीं, क्योंकि पॉइजन दिया ही नहीं किसी ने। सिखा दें किसी को, भाई जहर लेके आ मैं पी के देखूं अमृत होता है कि नहीं। एक तत्व समझ लिया कि जितनी भी ऑपोजिशन आए उसमें बिना शिकायत किए, बिना उलझे स्वीकार कर लिया तो जहर प्याला पीना हो गया, तत्व इतना सही है। अब ऐसे तड़पें के वैसे तड़पें, मीरा को मिले ही नहीं, दर्शन ही नहीं हुए, वो तड़प रही है। हमने जी भर के देखा, जी भर के साथ किया, जी भर के पास बैठे, महीनों के हिसाब से संग किया, सेवा का मौका मिला, बहुत तृप्ति है उन चीज़ों से, बहुत खुशी है कि भगवान ने हमें तो दिया। लोग वीक पड़ते हैं, हम कहते हैं मीरा से ज़्यादा भाग्यशाली, हमारे भगवान सरगुण थे, हमारे साथ उन्होंने बहुत लीला की, हमें साथ दिया, प्यार दिया, जागृत किया, हम क्यों कमज़ोर पड़े मीरा का चरित्र पढ़ के, कि हम लोग कमज़ोर हो जाएं, हमारे अंदर तो ये नहीं, हमारे अंदर तो वो नहीं, अपने प्यार को ले जाएं, अपने भगवान को ले जाएं, नहीं, बहुत कुछ है। और कहीं कमी हो किसी के अंदर, अंदर अंदर उसको बना लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, फिर अपनी भक्ति परवान चढ़ा लो, फिर ऊंचे उठ जाओ, फिर एक नए इश्क की शुरुआत कर लो, फिर एक नया इतिहास लिख डालो, फिर अपने भगवान से एक नई शुरुआत कर लो, इकरार कर लो। बड़ा अच्छा लगा, कलम सब लिख ही रहे थे इन दिनों चिट्ठियाँ, रात को भी किसी का लेटर पढ़ा, उसने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था, थोड़ा ज्ञान में डाइवर्जन ज़्यादा होगा, तो बोला मैंने एक संकल्प लिया है, आप भी पूरा करने में मेरी मदद करना। मैंने आज एक नए संकल्प की ईंट रखी है, मुझे आज समझ में आया प्रेम का महत्व, आप मेरे को अब उस हिसाब से बढ़ाना, मेरे को ऊंचा उठाना, मेरी मदद करना, जो भी उसके भाव थे। अच्छा ये लगा कि अंदर अंदर उसने अपना एक नया संकल्प उठाया और बोला अब मेरे को प्रेम को भी जी के देखना, अब मेरे को उस इश्क को भी जी के देखना, ठीक हो गई बात, खत्म हो गई। अब कई लोगों के पास सब कुछ भरपूर होगा तो भी दूसरों को देख के अपने आप को पिटा मारेंगे, देखिए कितनी अच्छी बात करता है, देखिए ऐसा करता है, देख इसने कितना बढ़िया अनुभव बोला कल, हम तो बोल ही नहीं पाते। कोई बात नहीं, सुन लो तुम, कोई बोल लेता है, कोई सुन लेता है, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, कोई अच्छा बना लेता है, कोई खा लेता है। अब सारे अगर बनाने लग गए खाएगा कौन, सारे बोलने लग गए सुनेगा कौन, कुछ बोलते हैं कुछ सुन लेते हैं, मिक्स है। भगवान ने जोड़े जोड़े बनाए थे, कोई स्त्री बनाई पुरुष भी बना डाले, बनाए नहीं बनाए, इसीलिए उसने जोड़े बना डाले कि बैलेंस होता रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये फिर निश्चय का अभाव हो जाता है, दूसरों को देख के परेशान, किसी की बात सुन के परेशान, किसी का अनुभव सुन के परेशान, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही भगवान को पसंद हूँ। मीरा किसके जैसी थी,
मीरा किसके जैसी थी? अपने आप जैसी थी ना। तुम अपने आप जैसे हो। अपने बैलेंस को ना छोड़ना ये भी तो निश्चय है। एक होता है अहंकार जो कबूल नहीं करने देता, उसकी हम बात नहीं कर रहे, पर एक होता है अपने अंदर सब कुछ होते हुए भी फिर अपने को वीक कर लेता है। सीखो बुराई नहीं है, और सीखो और समझो और चढ़ो, उसमें बुराई नहीं है, बल्कि अहंकार मत रखो कि मैं किससे सीखता ही नहीं, मैं तो अपने ही निश्चय में बैठा हूँ, मैं जैसा हूँ वो नहीं। अगर गुरु की तरफ से तुम्हें इशारा मिलता है कि तुम्हारे जीवन में कहीं कमी है, गुरु को कहीं से तुम्हारी बात पसंद नहीं आ रही, तुरंत फुरंत बदलना चाहिए अपने को, वो अच्छी बात है। लेकिन कमज़ोर हो के बैठ जाना किसी चीज़ का इलाज तो नहीं है। वीकनेस इज डेथ, कमज़ोरी तो मौत है। कमज़ोर क्यों करना अपने को, उलझाना क्यों अपने को, जबरदस्ती किसी जैसा होने की कोशिश क्यों करना? चीज़ वो गलत है, उसको समझना। वहाँ बोला जाता है अपने निश्चय में रहो। भाई आज किसी की बात सुनी, मीरा की सुनी, मीरा रो रही है, मीरा तड़प रही है। अब ना अगर हम गुरु को बताएंगे हम तड़प रहे हैं, हमारे वश में ये नहीं, हमारे वश में वो नहीं, गुरु को ना लगेगा मेरे को मीरा वाला प्यार हो गया। बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारी मीरा वाली स्थिति ही नहीं। तुम्हें सामने दर्शन मिल रहे हैं, बात कर रहे हो, तीन तीन वक्त ले रहे हो, गुरु इतनी कृपा कर रहा है, कभी चिट्ठी लिखता है, कभी गिफ्ट देता है, कभी प्यार करता है, कभी साथ देता है, तुम्हारी मीरा वाली स्थिति नहीं है, तुम्हें तड़पने की ज़रूरत क्या है? गुरु ये नहीं समझेगा क्या? पर सोचते शायद हम ऐसा करेंगे तो गुरु को लगेगा हाँ मेरे को ना अब लगन लगती जा रही है मीरा वाली, हम मीरा बन जाएंगे। ऐसे कैसे बन जाओगे? मीरा को उल्टा तुमसे रीस होती होगी। भाई इन लोगों को तो मौज है इतनी, काश मैं भी इनके ज़माने में होती। उल्टा परेशान तो वो होए, सारी ज़िंदगी मूर्ति से गुजारा किया। हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं, गुजारा करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान ने करने दिया ही नहीं। कभी फ़ोन पे भी रोना आ जाता था ना, याद आ रही है आ जाना, रोका किसने, पेपर है फल, एक रात को आ जा, या ऐसे कर शाम रात की ट्रेन से वहाँ से निकल, सुबह यहाँ पहुँच, रात की ट्रेन यहाँ से वापस पकड़ ले, एक ही दिन लगेगा सिर्फ, आ जा। उन्होंने तो ऐसे भी बुला लिया, एक बार तो हम ऐसे भी गए, रात की ट्रेन से गए, सुबह पहुँचे दोपहर की शताब्दी से वापस, इतने से घंटे सिर्फ बीच के, और भगवान ने कर लिए सारे दरवाजे बंद, अंदर लेके बैठ गए, तीन चार घंटे रज के बातें की, साथ खाना खिलाया, बाहर रिक्शा में बिठा और गए जाओ। अभी ऐसा भी मिला, उन्होंने कभी गुजारा करने ही नहीं दिया। हम तो कभी कभी हम लोग आ जाते थे गुजारा करने पे, अब कैसे जाए, पेपर हैं कुछ है, नहीं जा सकते। वो बोलते थे क्यों नहीं, एक बार तो बस लेके अभी पहुंचे पटेल नगर से, एसटीडी दिख गया, हम लोग होके आए थे ट्रेन से वापस आए थे, रास्ते में एसटीडी बूथ दिख गया, मैंने कहा फ़ोन कर दूं, ट्रेन थोड़ी लेट थी, फिर वो इंतज़ार करते रहते थे पहुंचने पे, फ़ोन नहीं किया, रास्ते से ही फ़ोन मिला दिया, पहुंच गए घर। मैंने कहा नहीं ट्रेन लेट थी, अभी है 15-20 मिनट का घर का, लेकिन मुझे लगा फ़ोन कर दूं, फिर आपका भी सत्संग का टाइम होगा और आपका ध्यान लगा हुआ होगा। और बात हुई तो निकलता ही था मुँह से कि अभी मन ही नहीं भरा था, बहुत याद आ रही है, ऐसे लग रहा था वापिस ही आ जाऊँ। कहते आ जा, मैंने तो हंसी में टाल दी बात, नहीं हम सही कह रहे हैं, बस लेके आ जा, कल निकाल लो बस, आज हम आ रहे हैं कल बस निकाल लें, कौन ऐसे चल पड़ेगा, तू एक बार बोल कौन नहीं चलेगा, तेरे को विश्वास नहीं है, मेरे को विश्वास है, तेरे कहने से एक नहीं चार बसें चलेंगी। सच में दो बसेस गई, अगले ही दिन दो बसेस चली गई,
पहुँचे जाके चार पाँच दिन रह के भी आए, गुजारा तो उन्होंने कभी करने ही नहीं दिया। मीरा कर रही है गुजारा, उसको इतना प्यार करने वाला भगवान मिला नहीं। हो सकता है हार्ड हार्टेड हो थोड़ा, पता नहीं हमें, लेकिन हमारा तो नहीं था ऐसा। हम लोग समझें तो सही अपनी स्थितियों को, हमने कभी गुजारा नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर उनको शाम को 7-8 बजे भी मैसेज दे दिया ना कि मन कर रहा था मिलने का, वो सोने से पहले बुला जरूर लेते थे, चाहे 15 मिनट को बुलाएं, चाहे आधे घंटे को, चाहे पिछले दरवाजे से बुलाते थे। देख जोर से मत बोलियो, मेरे को पता लग रहा था तू उदास है, मैंने बुला लिया, बिठा लेते थे रात के 12 बजे चाय कॉफ़ी पी के, बातें करके फिर चोरी से निकल लेते थे। हम तो ये भी नहीं कह सकते हम लोग कुंज गलियों में नहीं मिले, चोरी उनके घर में ही उनसे चोरी मिल लेते थे। सब गुस्सा करते थे कि सो जाइए, इतनी रात हो गई है, कितना मेहनत करेंगे आप, कोई अनुभव है ही नहीं जो ना कराया। कहीं भगवान चोरी जाता था तो आ जाते थे चुपके चुपके बिना चप्पल पहने, ऊपर चढ़ा अचानक खड़े हैं पीछे सारे हैरान। एक बार तो रात को चढ़े ऊपर, सारे लाइन में सो रहे थे हम लोग, और आ गए ऊपर, आए तो किसी काम से थे, किसी का फोन आया था तो कुछ था, लेकिन बड़ी बात है घंटी बजाते, किसी को जगा देते, किसी को भेज देते, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ गए, आके खड़े हो गए, फलानी कहाँ सो रही हो, सारे उठ के बैठ गए, फलानी ये तो आवाज तो उनकी है, काना भी आया चोरी चोरी, हम लोग भी गए चोरी चोरी, किस लिए कमजोर पड़े, क्या नहीं दिया गुरु ने हमको, सब कुछ दिया मुझे तूने सतगुरु, सब कुछ दिया है तेरा शुक्रिया। इसीलिए निश्चय में रहते हैं, क्यों पड़े कमजोर, कोई बात ही नहीं। वो कह सकती है दुखन लागे नैन, हमारे नैन तो उन्होंने दुख नहीं नहीं दिए, या आ जाते थे या बुला लेते थे, लंबा गैप कभी हुआ ही नहीं। क्यों बैठना टेंशन करके, फिर क्यों मीरा का नाटक करना, क्या हमको भी तड़पन हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, प्रभु मेरे संग सदाए नाले। उसने कल्पना में हंसा, कल्पना में बोला, कल्पना में खेला, हम लोगों ने जागृत में हंसे बोले खेले खाए घूमे फिरे जी भर के घूमे होंगे उनके साथ, कोई कसर नहीं, हिल स्टेशंस पे क्या, मार्केट्स में क्या, मेलों में क्या, बगीचों में क्या, समुंदर के किनारे क्या, नदियों के किनारे क्या, जी भर के घूमे, कोई जगह छूटी नहीं, रज के दिया उन्होंने, बहुत सारा दिया। कुछ याद करें जहां नहीं भी घूमे उनके साथ, ऐसी कोई जगह ही नहीं, कुछ याद करें जो नहीं खाया संग बैठ के, कुछ भी नहीं है, सब खाया, खूब खाया, खूब आइसक्रीम्स एंजॉय की, खूब कॉफियां एंजॉय की, खूब गोलगप्पे एंजॉय किए, पता नहीं क्या क्या एंजॉय किए, बच्चों की तरह तो उन्होंने पाला। हम क्यों वीक पड़े, निश्चय ये होता है, ये निश्चय नहीं होता जिसकी बात चले सोचने बैठ जाओ, वो तो सब एक प्रेरणा प्रसंग होते हैं, एक बांधने का तरीका होता है मन को, और नेचुरली मोटिवेशन तो सबको मिलता ही है भाई, जरूर मिलता है, वो हम भी सोचते हैं। अगर हम ये चरित्र पहले पढ़ते, उस समय पढ़ने की फुर्सत नहीं थी, किसी चीज़ में दिल्ली तो नहीं लगता था उस समय, ये बुल्ले शाह सारा इकट्ठा किया होता, मीरा इकट्ठी की होती, हमारे प्रेम को भी और रंग मिल लगता, अभी भी कमी नहीं है, पर कभी कभी लगता है कि शायद हम पहले पढ़ते कुछ और ही रंग होता, पर पढ़ सकते नहीं थे, बड़ी मजबूरी ये थी।
किसी चीज़ में मन टिकता नहीं था, टिकता अभी भी नहीं है, बड़ा औखा टिकाना पड़ता है। फिर वो भी उन्हीं को याद करके, क्योंकि ये भी उनके सपने थे सारे, तेरे को पढ़ने का शौक है, कभी कभी बोलते थे तेरे को पढ़ने का शौक है, पढ़ाई में होशियार था, तो तू बहुत कुछ कर सकता है, ऐसा शास्त्रों से भी अच्छे निचोड़ निकाल सकता है। बोलते थे देख हम तो बोर हो जाते हैं, हम पढ़ते नहीं, तेरा शौक है, स्वाध्याय तुझे अच्छा ही लगता है। देखते थे जब घंटों लिखते हुए तो उनको बहुत अच्छा लगता था, बोलते स्वाध्याय का शौक है। तो अपने को वही वास्ता दे के फिर काम करने पड़ते हैं। लेकिन उनके होते हुए कभी कहीं ध्यान ही नहीं गया, तो हम लोग क्यों अपने को कम कहें, क्यों टेंशन करें, क्यों परेशान होए। हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिविटी में रहो, ये अपने आप में एक बड़ा निश्चय। अपने मन में कभी कोई नेगेटिव बात आने ही नहीं देनी अपने प्रति भी, क्यों नेगेटिव बनाना अपने को, क्यों कमज़ोर बनाना अपने को। पहले तो कोई कमी है नहीं, और जो है जिन्होंने दिखाई है पूरी कराएंगे ना, क्योंकि मैं मानने को तैयार बैठा हूँ तो पूरी वो ज़रूर करा देंगे। फिर मुश्किल उसके साथ जो मानने को तैयार नहीं, जो मानने को तैयार बैठा है, जो अपने प्यार को परवान चढ़ाना चाहता है, क्या परमात्मा उसकी मदद नहीं करेगा। जब मीरा ने इतना बसाया अपने अंदर भगवान को, तो भगवान इतना भी ना करेंगे उसको अंत में अपने में संभालें, करेंगे। जो ईश्वर के पीछे दीवाना होगा, क्या ईश्वर उसकी संभाल नहीं करेगा, क्या ईश्वर उसका रक्षक नहीं बनेगा, क्या ईश्वर उसकी पैरवी नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ईश्वर जरूर उसकी पैरवी करेगा, ईश्वर जरूर उसको संभालेगा, इस निश्चय में रहे ना। बार बार अपने को नीचे ले जाना, वीक करना, इसको नम्रता भी नहीं कहते। कई लोग सोचते हैं हमारे जीवन की ना नम्रता है, हम तो बार बार ऐसे कहते हैं हमको तो देखो कुछ आता नहीं, हम तो पढ़े हुए भी नहीं, फिर हमको तो बातें भी नहीं करनी आती। कई लोग सोचते हैं बड़ी नम्रता है, नम्रता नहीं है, ये जबरदस्ती अपने आप को उलझाने वाली बात है। गोपियां कौन सी एजुकेटेड थी, लेकिन प्यार से ऊंची पढ़ाई कोई है ही नहीं दुनिया में। कबीर जी ने भी लिख दिया, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जिसको ढाई अक्षर प्रेम का आ गया वो पंडित हो गया, और इससे बड़ी पंडिताई कोई है ही नहीं। और अगर ये ढाई अक्षर प्रेम ना आए, इश्क ढाई अक्षर का नहीं आया जीवन में, बड़ा सारा कुछ आते हुए भी अनपढ़ है। बहुत सीधी सी बात है भाई, कोई बेसिक बात लिखने में ही गलती करे तो कहते हैं तू एमए है या एमए है, कह देते हैं ना। तो जिसके जीवन में ये ढाई अक्षर प्रेम और इश्क नहीं आए, वो उसका ज्ञान ध्यान बेकार। अदरवाइज प्रेम सीख गया, ज्ञान का गाना आता हो, क्या फर्क पड़ता है। भरोसा हो अपने अंदर जो प्रेम है परमात्मा के प्रति, उस पर भरोसा हो, भगवान का जो मेरे प्रति प्रेम है उस पर। मेन बात तो ये वाली है, मालिक ते भरोसा रख बंदिया, अपने प्रेम पे भी भरोसा रखो, इसको निश्चय कहेंगे। तो जब आप ऐसे बढ़ते हो ना, तो ये अंदर का जुनून, ये मस्ती, ये निश्चय, ये आपको सब कुछ फेस करा देता है और आपको पता भी नहीं चलता, सब कुछ फेस करा देता है।
आप कहने में आएगा मैं डिसीजन जल्दी जल्दी ले लेता हूँ, हकीकत आपके अंदर बैठ के कोई एक आवाज़ देता है बस, दूसरी आवाज़ ही नहीं आने देता। मैंने नहीं लिया डिसीजन, मैं हटा, मैं खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम ना था। मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी, मैं खुद ही पर्दा बना था और मुझे मालूम ना था, बस वो पर्दा खिसका दिया। गुरु ने आके जो पर्दा खिसकाया, मैं का पर्दा हटते ही परमात्मा स्वयं है और वो राइट प्रेरणा करता ही है। ऐसे लगेगा उंगली पकड़ के कोई चला रहा है मुझे, वही परमात्मा की आवाज़, वही ईश्वर है। बस हम ईश्वर को समर्पित होके चलते चले, बाल ना बांका कर सके जो जग वैरी होए, चाहे सारा संसार भी वैरी हो जाए, बाल ना बांका कर सके, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। क्या बिगाड़ेगा कोई, भगवान के बच्चे का कोई क्या बिगाड़ेगा? परमात्मा के बच्चे के लिए कोई क्या गलत करेगा? कोई कर ही नहीं सकता। मेरे सतगुरु हैं मेरे साथ, मुझे निश्चय है। बात खत्म। ना हालतों का डर, ना लोगों का डर। मीरा ने सब कुछ किस बल पे फेस किया? मीरा होती तो फेस नहीं कर सकती थी, मीरा नहीं थी सब कुछ फेस हो गया, पता भी नहीं चला। जब तक मैं हूं तब तक कुछ भी फेस करना कठिन है, जब मैं नहीं हूं मुझे क्या पता हालत भी कौन फेस कर गया आके, कोई बात ही नहीं। फिर एक पहलू इसका और भी है, निश्चय मना होता है एक तरफा होना। कई लोग कभी नम्रता पकड़ते हैं, कभी रिवोल्ट पकड़ते हैं, ये भी संशय बुद्धि वाले। समझो एक नजरिया अपनाओ, मीरा ने एक नजरिया अपनाया, सेना है तो सेना, आवाज ही नहीं की, लेकिन दुखी भी नहीं हुई, हर चीज भगवान का प्रसाद समझ के आगे बढ़ती गई। और अगर तुम्हें रिवोल्ट करना है तो फिर रिवोल्ट करो। अब कभी तो तुम चरण धूल हो जाओ, कभी रिवोल्ट करो, ये भी गलत है। एक अपनानी पड़ती है टेक्निक, अगर हमने नम्रता का मार्ग पकड़ा तो बस नम्रता का मार्ग पकड़ा, फिर हर चीज को नम्रता से सहन करते जाओ और प्रसाद बनाते जाओ, हर जहर को अमृत बनाते जाओ, फिर चलते चलो। कितने लोगों को हम देखते हैं, यहां भी बात करते हैं, अब उनको बोलो तुम नम्रता करो, कब तक सहें? अच्छा जाओ फिर बात करो, फिर दो दिन बाद भगवान देखेंगे मां। तो ऐसे लगता है इनका अपना ही निश्चय नहीं है। एक बात पकड़ो ना, वो एक अलग बात है, कंडीशन के अकॉर्डिंग कभी कभी रिएक्शंस करने पड़ते हैं, लेकिन मेन एक अपने अंदर की स्थिति होती है। जहां हमने नम्रता पकड़ी तो नम्रता पकड़ी, अगर हमें बोल्ड होके चलना है तो बोल्ड होके चले, अब वो बड़ा डिसबैलेंस क्रिएट कर देते हैं और अपने आप को ही कंफ्यूज कर लेते हैं। कंफ्यूजन में पता ही नहीं उनको करना क्या है, कभी तो बड़े बहादुर बन जाएंगे, कभी मियाती बिल्ली बन जाएंगे, कभी बहुत त्यागी बन जाएंगे, कभी अचानक आधार देने चल देंगे। तो ऐसे लगता है ना अपने अंदर ही एक बैलेंस्ड बात नहीं है, कभी छोड़ा तो इतना छोड़ दिया, कभी फिर पकड़ा तो इतना पकड़ लिया, कभी यहां आ जाएंगे फिर इतना छोड़ देंगे संसार को कि कितनी मर्जी जरूरत हो मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी वहां पहुंच गए फिर इतना वहां पकड़ लेंगे, फिर कहेंगे भगवान तो साथ ही है,
अब उसकी भी ज़रूरत नहीं, साथी है, वही तो करा रहा है सारा कुछ, एक्चुअली डिसबैलेंस है। और ऐसे व्यक्ति कभी पीस ऑफ माइंड में नहीं होते, हमेशा उनका पीस ऑफ माइंड उजड़ा रहेगा, क्योंकि अपने लाइफ में ही बहुत इम्बैलेंस है। भाई सीधी बात है, वो पक्षियों का जोड़ा था ना जंगल में, शिष्य ने पूछा था गुरु से, गृहस्थी कैसा हो सन्यासी कैसा हो, तो दिखाया पेड़ में आके राहगीर बैठा भूखा था, पक्षी ने बोला मैं कूदता हूँ, नर ने, ये मेरे को भून के खा लेगा, आग जल रही है इसका पेट भर जाएगा। मादा ने बोला अगर आप कुर्बानी करोगे मैं भी करूँगी। पहले नर कूदा, फिर मादा कूदी, फिर बच्चे कूदे, गुरु ने दिखाया शिष्य को गृहस्थी ऐसा हो, इतना कुर्बानी का पुल। सन्यासी कैसा हो, सन्यासी को दिखाया, उसको गुड ऑफर आ रहे थे, स्त्री आ रही थी, धन आ रहा था, पर सन्यासी ने स्वीकार नहीं किया। गुरु ने बोला शिष्य को सन्यासी फिर ऐसा हो। अब कई लोगों को खुद ही नहीं पता उनको कैसे होना है, खुद ही नहीं पता, वो घड़ी का पेंडुलम बन जाते हैं, इधर लुढ़के तो इधर लुढ़क गए, इधर आ गए तो इधर आ गए, जहां चल दिए अति में चल दिए। भाई गर्गृहस्थी में कोई काम आ गया, अब ना ये भी पूरा हो जाए, ये एक ही बार जाएंगे सत्संग, 10 दिन बाद 15 दिन बाद डेट डाल ली अपनी, अरे मुआ बेवकूफ, सुबह टाइम मिल रहा है सुबह आ जा, शाम मिल रहा है शाम आ जा, नहीं नहीं एक ही बार जाएंगे, असल में अब वहाँ आ सकती हो गई, पर यहाँ आ गए, भाई उधर जरूरत है, हो जाएगा, मुझे क्या करना, मेरे बिना भी दुनिया चलेगी। फिर जब वहाँ पहुँचते हो दुनिया चलाने, तब ये वचन नहीं याद आता कि तेरे बिना भी दुनिया चलेगी, चल, देखा, ये डिसबैलेंस, अति उधर या अति उधर, बीच में चलना सीखा ही नहीं। अब एक टांग तेरी ऐसे हो जाए, एक ऐसे हो जाए, चलोगे कैसे? लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, संशय बुद्धि कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ज्ञान की समाधानता तो है ही नहीं, हट है, अतियां हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है, हट और अतियां बहुत हैं। अब वो हट लेकिन अति किसी भी तरफ हो जाती है, टिकती तो नहीं, क्योंकि स्वभाव में बेसिक चंचलता है, बेसिक नेचर में चंचलता है, उधर से ईगो है, हट है, अति है जीवन में, अब वो जहां लग जाती है अति वहीं लग जाती है, उसके बाद हटते नहीं वहां से, फिर बड़ी मुश्किल से हटाना पड़ता है वहां से, फिर दूसरी तरफ जा लगी वो अति, अजीब बीमारी है। घर प्यारा लगेगा अचानक बहुत प्यार आ जाएगा, वैराग आएगा अचानक बहुत सारा आ जाएगा, बाढ़ ही आती है दोनों में, फिर एकदम एक तरफ सूखा एक तरफ बाढ़, एक तरफ सूखा एक तरफ बाढ़, होता ही नहीं कहीं पर भाई, कुछ जमीन सूखी भी हो बाकी नदी प्यार की भी बहती हो प्यास बुझाने के लिए, या तो तबाही मचाने वाली बाढ़ या तबाही मचाने वाला अकाल, इसको निश्चय नहीं कहते, बिल्कुल भी नहीं कहते इसको निश्चय। मैंने ये त्याग दिया, मैंने वो त्याग दिया, पर कहीं ना कहीं उस त्याग की चुभन भी तो रहती है, ध्यान भी तो जाता है, फिर उसका क्या यूज? कितने लड़के आते हैं ना, हम छोड़ दें, हम नौकरी ना करें, हम फलाना ना, हम बोलते हैं चलोगे कैसे, पहले मुझे बताओ चलोगे कैसे, फिर ध्यान जाएगा, फिर दिमाग चलेगा, इससे अच्छा है अपने गुजारे लायक थोड़ा करके शांति करो, यहां भी अच्छे से मन लगे वहां भी बैलेंस रहे। अतियों से गुजारे नहीं होते ना, अति निश्चय नहीं होता, अति संशय होता है। मेरा कुल मिला के बताने का मतलब ये है कि जीवन में अतियां महसूस करो,
उसको निश्चय मत मानना, वो अपने आप में बहुत बड़ा संशय, संशय बुद्धि है वो, अति किसी चीज़ की नहीं। ज्ञानी के जीवन में अति कोई भी नहीं है, कहीं पर भी फ्लेक्सिबिलिटी है, पूरी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, अति का कोई यूज नहीं, अति भी निश्चय नहीं है। तो आप जब स्थितियों से नापोगे ना, कभी कभी हो सकता है अतियों की तरफ चले जाओ, पर निश्चय मना मैं ना, और बाकी फिर बैलेंस से चलते हैं जीवन में। आई बात समझ में?